वही मैं चेक कर रहा, डिस्प्ले तो नहीं हो रहा सर, इंटरनेट तो है, स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, अभी लाइट की इशू आ गई बीच में, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की डिस्कशन करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में, दैट इज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। राइट, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या है? एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, जैसे कि कई सारे फिनोमिना है लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय हॉट बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटालिक सर्फेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, एंड द इमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बाई एटम्स ऑफ गैस इन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। दीज थ्री फिनोमेना कुड नॉट एक्सप्लेन बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। राइट, सो दैट टू एक्सप्लेन दीज फिनोमेना, वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स वॉज डेवलप बिटवीन दीज टाइम 1919-1930, बिटवीन 1919-1930। So, the basic idea of quantum theory was introduced by Max Planck in 1901. ये आप हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे कांस्टेंट के बारे में, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, जो साइंटिस्ट इन सारे फिनोमिना को वेव मैकेनिक्स में जो पार्टिकुलर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट प्रोवाइड किए, दैट साइंटिस्ट वाज मैक्स प्लैंक, एंड द थ्योरी वाज गिवन, द क्वांटम थ्योरी और यू कैन से आइडिया ऑफ क्वांटम थ्योरी दैट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1901। हाउएवर द मैथमेटिकल फाउंडेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी वर डेवलप्ड बाय ग्रेट फिजिसिस्ट लाइक आइंस्टीन, बोहर, लुइस डी ब्रॉग्ली, एल्विन श्रोडिंगर, मैक्स बॉर्न, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड डिराक। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए। इसमें आप कई सारे आप साइंटिस्ट के नेम ऑलरेडी आप जानते होंगे, जैसे कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस जो प्रोवाइड किए थे, है ना, बोहर्स थ्योरी एंड डी ब्रॉग्ली, जो कि डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस वेव मैकेनिक्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए और डी ब्रॉग्ली वेव को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉग्ली ने अपनी थ्योरी प्रोवाइड किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट वाज गिवन बाय श्रोडिंगर। और किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट वाज रिलेटेड विथ प्रोबेबिलिटी एंड वेव फंक्शन दैट वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न। Right, and another is Heisenberg, that is Heisenberg told that uncertainty principle, about uncertainty principle। तो ये सारी चीजें exactly किसी microscopic particle को explain करती हैं, mathematical as well as theoretical, ये सारे scientists जो provide किए। Right. So now it has been established that quantum mechanics reduces to classical mechanics when applied to the macroscopic world. जो हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्टडी करते थे, किसी बल्क ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करे थे, वो अब हम उसको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट,
आप लोगों से मैं पहले भी बोल रखा हूँ, इवन कोई भी क्वायरीज हो तो इन बिटवीन लेक्चर के डिवीजन में मैं आप लोग को लास्ट में टाइम प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। इन बिटवीन अपना कंसंट्रेट करके लेक्चर अटेंड करें। तो यहाँ पर ऐसे हमारे सिलेबस में जस्ट इनका इंट्रोडक्शन है नीड एंड डेवलपमेंट, बट यहाँ पर मैं बॉर्डर करना चाहूंगा कुछ बेसिक फिनोमेना जिससे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन रिक्वायरमेंट और नीड कह सकते हैं, नेसेसिटी कह सकते हैं, वो तीन फिनोमेना था। फर्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से तीनों इवेंट को एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट से कंबाइन करके एक्सप्लेन किया गया। तो ब्लैक बॉडी होता क्या है? बेसिकली अ ब्लैक बॉडी इज अ मटेरियल दैट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड इट नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट्स एनी रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नो डाउट आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं, राइट? तो ना तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है ना तो ट्रांसमिट करता है, लेकिन जब इस बॉडी को ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो रेडिएशन इमिट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, एक तो ब्लैक था, एनर्जी को सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट? जो भी उस पर रेडिएशन फॉल हुई उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। कब वो इमिट करेगा? जब हम उसको एनर्जी हीट करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दैट मींस रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी दैट मींस कि वो ऐसा एक बॉडी, ऐसा एक मटेरियल, राइट, जो कि सारे के सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर ले। जो भी उसके रेडिएशन, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं, जो भी रेडिएशन उसके इंसिडेंट होगी इन सारे रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर रही, राइट? एन आइडियल ब्लैक बॉडी दैट कैन बी अचीव्ड इन लेबोरेटरी इज अ हॉलो कंटेनर और अ कैविटी हैविंग अ वेरी फाइन ओपनिंग और होल। व्हेन लाइट एंटर्स द कैविटी थ्रू द ओपनिंग और होल, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इज absorb on each reflection from the interior walls of the cavity। यहाँ पर जो डायग्राम रिप्रेजेंटेड है, ये ब्लैक बॉडी का डायग्राम रिप्रेजेंटेड है, राइट? तो यहाँ पर ये बहुत ही एक फाइन ओपनिंग है जहाँ पर उस कैविटी के इनसाइड में, फॉलो कंटेनर के इनसाइड में उसमें लाइट इंसिडेंट होती है, राइट? जब इस कैविटी में लाइट एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दैट मींस कि उसके सरफेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बताए गए हैं कि कुछ तो पार्ट वो रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ पार्ट उसमें एब्जॉर्ब हो जा रही है, राइट? उस एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन कहाँ पर से हो रही है? उसके इंटीरियर वॉल से। ये जो रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे है, और उसके बाद फिर से इस यहाँ इस कॉर्नर से, फिर ये इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके, तो ये रिफ्लेक्ट होती है इनसाइड द कंटेनर, राइट? और साथ ही साथ इसमें जो एनर्जी रिफ्लेक्शन के अलावा जो बच जाता है दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द कंटेनर दैट बॉडी। आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल द इंसिडेंट लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। क्योंकि यहाँ पर तो हमने कहा था कि कुछ लाइट इंसिडेंट हो गई, कुछ लाइट इंसिडेंट जो लाइट हुई वो रिफ्लेक्ट भी हो गई और एब्जॉर्ब भी हो गई। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि ये जो ओपनिंग है बहुत ही फाइन है, ऐसा नहीं कि इमिडिएटली इससे ये रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ जाएगी लाइट, राइट? वो
लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू उसी के कंटेनर के इनसाइड में, बिकॉज द कंटेनर इज हॉलो कंटेनर, उस कैविटी के इनसाइड में वो लाइट रिफ्लेक्शन करती रहेगी। जब तक रिफ्लेक्शन करती रहेगी जब तक कि उसकी एनर्जी सारे के सारे उस बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, राइट। सो द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विद द वेव लेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो किस तरह से इस ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की इंटेंसिटी, हर एक चीज की कोई ना कोई इंटेंसिटी होती है, राइट, उसकी वेव लेंथ होती है। विद इन 10 मिनट्स मीटिंग ओवर हो जाएगा, तो नेक्स्ट 5 मिनट तक मैं अभी ये कंटिन्यूस डिस्कस करूंगा। तो किस तरह से इंटेंसिटी उसकी वैरी कर रही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वेवलेंथ के साथ और टेम्परेचर के साथ, डिफरेंट टेम्परेचर के साथ, उसका रिलेशन अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी किस तरह से वैरी कर रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। यहाँ पर मैं जूम करके आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर ये वेरिएशन रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में जो है वेवलेंथ को रिप्रेजेंटेड है, वेवलेंथ जो कि लैम्डा से रिप्रेजेंटेड है, ये उसका ओरिजिन है, और वाई एक्सिस में इंटेंसिटी को रिप्रेजेंटेड है, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसकी प्लॉटिंग है, इसकी वेरिएशन है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट इसकी वेरिएशन इंटेंसिटी की रिप्रेजेंटेड है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे T3 का टेम्परेचर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 और यहाँ पर मेंशनड है, राइट। तो जिस तरह से वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है उसी तरह से इंटेंसिटी भी इसकी इंक्रीज कर रही है, राइट। अगर इसमें हम फर्स्ट वाले ग्राफ में देखें तो इसकी वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी इस तरह से वैरी कर रही, एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करी, और उसके बाद जो कि मैक्सिमम यहाँ पर T1 टेम्परेचर से रिप्रेजेंटेड है, और उसके बाद वो वापस डिक्रीज होने लगे, राइट। अगर इस टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं हम यहाँ पर, तो फिर ग्राफ की जो पीक वैल्यू होगी दैट विल बी चेंज्ड एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर of the black body, the graphical representation, the relation between intensity and wavelength will also change. तो ये आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इवन पहले भी आपने पढ़ा है, आप देख सकते हैं the intensity of the black body relation shifts towards the shorter wavelength lambda n, that is lambda is directly proportional to 1/T, and T क्या है यहाँ पर, that is temperature. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट इज दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लैम्डा एम इनटू टी इक्वल टू के, दैट के इज अ कांस्टेंट, राइट। सो दैट कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू 0.2898 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट, एम के मीटर केल्विन, क्योंकि वेवलेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और टेंपरेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। तो दिस रिलेशन 1.11 रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1.1 इज नोन एज विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, कि आपको एक बॉडी पे लाइट उसके किसी पार्टिकुलर पोर्शन से इंटर कराए, बट जो स्टडी है जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो किस माइक्रोस्कोपिक है, राइट। जो चीजें हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, नेगाई से नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसकी हम बातें कर रहे हैं, जैसे कि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, लाइट तो फोटोन के फॉर्म में वहां पर उसके वॉल पे इंसिडेंट है, राइट, बट वो केवल हमें लाइट दिख रहा है, बट वहां पर जाके वो लाइट की जो एनर्जी है उस सब्सटेंस में मटेरियल में एब्जॉर्ब हो गई
जब उसको हीट कर रहे हैं तो वापस वो इमिट होगी, राइट, रेडिएशन के फॉर्म में, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें अभी दो और टर्म है, दैट इज ज्यादा इसको मैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, राइट, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। आज मैं इस को अभी इतना भी डिस्कस करें, इसको अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। और किसी को इसमें अभी तक जो डिस्कस किए, एक क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में दीपक राव रोल नंबर डायरेक्ट साइंटिस्ट ने किस स्टडी के बारे में हमें बताया। तो ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये प्रोवाइड किए, इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रोवाइड किया, उसी तरह से वेव इक्वेशंस के रिलेशन डायरेक्ट साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए, राइट। जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसमें हाइजेनबर्ग में डेल्टा एक्स डेल्टा पी एस इक्वल टू एच जो रिलेशन प्रोवाइड किए, तो ये इन सब सारे साइंटिस्ट का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जो यूज होता है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे क्वांटम फिजिक्स में यूज होता है, उनके लिए कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड, राइट। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 4 मिनट्स में लेक्चर ओवर हो जाएगा, है ना। आप मीटिंग डिसकनेक्ट कर सकते हैं, कल आप लोग कोशिश करेंगे कि टाइम पे, मतलब 10 दिन पे कोशिश करें कि कनेक्ट कर लें, इन बिटवीन कोशिश ना करें, है ना। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कनेक्शन इशू था, तो जो भी मैंने बताया कि ये इशू हो सकता है तो वो आप लोग पर चेकआउट कर लें। मोबाइल में स्पेसिफिक इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए, नेटवर्क सफिशियंट होना चाहिए, एटलीस्ट 50 KB प्लस नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क चेकआउट कर लें ज्वाइन करने से पहले, हर 1-2 दिन पे आप जूम को अपडेट कर लें, राइट, बट कि अगर जूम अपडेट नहीं होगा तो वो कनेक्शन इश्यू करेगा। लास्ट में मैं सभी का अटेंडेंस मार्क कर दूं, कई लोगों ने जो मेरा पासवर्ड है उसी नाम से यहाँ पर लॉग इन कर चुके हैं, ये मीटिंग का ISO पासवर्ड है YFPX, ये म्यूट रखा कर दूं लेक्चर के ड्यूरेशन में। सर बुक कौन सी परचेज करें? बुक आप कोई भी प्रदीप का, रमेश का, अगर सस्ते में मतलब परचेज करना चाहते हैं, और बहुत ही एडवांस अगर स्टडी करने चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो एक लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल हैं, वहां से आप इश्यू कराएं। अगर आप उसको पर्सनल यूज के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, इंडिविजुअली।